पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। संघ के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए प्रणब मुखर्जी नागपुर पहुंच चुके हैं। इस बीच उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता से एक अपील की है। शर्मिष्ठा ने उनसे संघ के कार्यक्रम में शामिल ना होने की गुजारिश की है। शर्मिष्ठा के मुताबिक प्रणब मुखर्जी के संघ के प्रोग्राम में जाने का इस्तेमाल बीजेपी झूठ फैलाने के लिए करेगी। एक बेटी की पापा से गुहार। संघ के प्रोग्राम में मत जाओ पापा। पुराने साथी ने उठाए पूर्व राष्ट्रपति पर सवाल। आपसे ये उम्मीद नहीं थी प्रणब दा। संघ के समारोह में शामिल होने प्रणब मुखर्जी नागपुर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब नागपुर एयरपोर्ट पर पूर्व राष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया गया, लेकिन उनके संघ के कार्यक्रम में शामिल होने के मुद्दे पर हो रहा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार विरोध घर से हुआ है। प्रणब मुखर्जी की बेटी और कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता से गुहार लगाई है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक के बाद एक दो ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी से संघ के कार्यक्रम में नहीं जाने की अपील की है। शर्मिष्ठा ने अपने ट्वीट्स में उन संभावित खतरों के प्रति अपने पिता को आगाह किया है जो उनकी मुलाकात से पैदा हो सकते हैं। शर्मिष्ठा ने लिखा है कि उम्मीद है कि आज की घटना से प्रणब मुखर्जी समझ गए होंगे कि बीजेपी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट किस तरह काम करता है। संघ को भी इस बात का भरोसा नहीं होगा कि आप अपने भाषण में आरएसएस की विचारधारा का समर्थन करेंगे, लेकिन संघ के मंच पर दिए गए आपके भाषण को भुला दिया जाएगा। रहेंगी तो सिर्फ संघ के मंच पर आपकी तस्वीरें और उन तस्वीरों के साथ फर्जी बयानों को जोड़कर सर्कुलेट किया जाएगा। नागपुर जाकर आप बीजेपी और आरएसएस को झूठी खबरें और बयान प्लांट करने का मौका दे रहे हैं। जैसा उन्होंने आज तक झूठी अफवाहें फैलाई, ये तो सिर्फ शुरुआत है। दरअसल शर्मिष्ठा जिस घटना का जिक्र कर रही हैं, वो कल दिन में फैली कुछ अफवाहें थी। प्रणब मुखर्जी के संघ के कार्यक्रमों के बीच कल दिन भर इस बात की अफवाहें उड़ती रही कि शर्मिष्ठा मुखर्जी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। चूंकि ये अफवाहें उस वक्त फैली जब प्रणब मुखर्जी संघ के कार्यक्रम में शामिल होने नागपुर पहुंच चुके थे, खबर इतनी फैल गई कि छुट्टी मनाने के लिए दिल्ली से बाहर गई शर्मिष्ठा को खंडन के लिए बयान जारी करना पड़ा। पहाड़ों में घूमने के लिए आई हूँ, सूर्यास्त का लुत्फ उठा रही थी, तभी ये खबर आई कि मैं बीजेपी में शामिल हो रही हूँ। मैं कांग्रेस के विचारधारा पर यकीन करती हूँ, इसलिए राजनीति में आई। कांग्रेस छोड़ने की बजाय मैं राजनीति छोड़ना पसंद करूंगी। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपना दुख जारी किया तो प्रणब मुखर्जी के पुराने सहयोगी अहमद पटेल भी सामने आए। सोनिया के राजनीतिक सलाहकार और कई दशकों तक प्रणब मुखर्जी के साथ काम कर चुके अहमद पटेल ने ट्वीट किया कि प्रणब दा, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी कांग्रेस नेता प्रणब मुखर्जी के संघ के कार्यक्रम में जाने का विरोध कर रहे हों। पी चिदम्बरम ने कहा कि प्रणब मुखर्जी को नागपुर जाकर ये बताना चाहिए कि संघ की विचारधारा में क्या गलत है। वहीं सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि प्रणब मुखर्जी संघ का वास्तविक राष्ट्रवाद का मतलब समझाएंगे। सलमान खुर्शीद ने भी कहा कि प्रणब मुखर्जी सीनियर और समझदार शख्सियत है, ऐसे में किसी को उन्हें ये बताना नहीं चाहिए कि वो क्या बोले और क्या ना बोले। प्रणब दा के नीचे मेरे पिताश्री ने काम किया, प्रणब दा के नीचे मैंने काम किया और उनसे बहुत कुछ सीखा समझा। ऐसे व्यक्ति के किसी भी निर्णय पर हम छोटे लोग टिप्पणी कर दें और हम अपनी राय व्यक्त कर दें, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। अगर किसी पर इतना भरोसा किया है जीवन भर और उसमें इतना विश्वास रखा है और उसके अनुभव का सम्मान किया है, तो आज एक निर्णय पर हम ये बोल दें कि ये सब व्यर्थ था और सबको समाप्त कर दें। इस बीच कार्यक्रम के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। प्रणब मुखर्जी आज शाम 5:10 पर राजभवन से रवाना होंगे। पूर्व राष्ट्रपति शाम 5:30 रेशम बाग ग्राउंड पर पहुंचेंगे, जहां रात 9:30 तक आरएसएस के समारोह में शिरकत करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आरएसएस के तृतीय शिक्षा वर्ग के समापन में शामिल होने के लिए नागपुर के रेशमबाग के मैदान पर पहुंचेंगे, जहां पर इस तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह पहला अवसर होगा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मुख्य अतिथि के रूप में आरएसएस के एक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। आरएसएस के सालाना कार्यक्रम में दो कार्यक्रम सबसे अहम माने जाते हैं, पहला विजयादशमी के दिन उत्सव और दूसरा संघ शिक्षा वर्ग। विजयादशमी उत्सव में हर साल सरसंघ चालक स्वयं सेवकों को संबोधित करते हैं। संघ शिक्षा वर्ग के तीसरे साल के ट्रेनिंग कैंप के समापन पर भी सरसंघ चालक स्वयं सेवकों को संबोधित करते हैं। साथ ही इनमें चीफ गेस्ट संघ से बाहर के किसी व्यक्ति को बनाया जाता है।
ये ऐसी शख्सियत होती है जिसका समाज में नाम और पहचान होती है। इस साल संघ शिक्षा वर्ग के तीसरे साल का ट्रेनिंग कैंप का समारोह आज यानी 7 जून को हो रहा है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी चीफ गेस्ट के तौर पर इसी समारोह को संबोधित करेंगे। संघ शिक्षा वर्ग के तीसरे साल की ट्रेनिंग कितनी अहम होती है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसे पूरा करने के बाद ही कोई स्वयं सेवक आरएसएस का प्रचारक बन सकता है। योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर, महाराष्ट्र। प्रणब मुखर्जी के संघ के कार्यक्रम में जाने से भले ही कांग्रेस के कुछ नेता असहज महसूस कर रहे हों, लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस के नेता संघ से जुड़े प्रोग्राम में जा रहे हों। यही वजह है कि बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछा है कि प्रणब मुखर्जी के संघ के कार्यक्रम में जाने में बुराई क्या है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब संघ से जुड़े किसी कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता पहुंचे हों या कांग्रेस के नेताओं ने सरकारी कार्यक्रम में संघ को बुलाया हो। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान संघ के स्वयं सेवकों ने सरहद में राशन पहुंचाने में मदद की थी, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को न्योता भेजा था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने में संघ के स्वयं सेवकों की मदद ली थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विश्व हिंदू परिषद की एकात्मक जल यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुई थी। 1977 में संघ नेता एकनाथ रानाडे के न्योते पर इंदिरा गांधी ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल का उद्घाटन किया था। यही वजह है कि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि अगर प्रणब मुखर्जी भी संघ के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तो इसमें बुराई है क्या। पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी ये लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। हम एक दूसरे से मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए और जो विचार नहीं पटते अगर मत में उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। ये जिस प्रकार की पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी की बात है ये आउटडेटेड है। ये करने वाले लोग दूसरे को कम्युनल कहते हैं, वो खुद कम्युनल है और बहुत छोटे दिल के हैं। व्हाट इज रॉन्ग विद प्रणब मुखर्जी गोइंग टू एड्रेस द आरएसएस? ही इज नॉट गोइंग टू लिसन टू अ लेक्चर ऑफ आरएसएस, ही इज गिविंग आरएसएस अ लेक्चर। व्हाई आर दे बॉदर्ड? प्रणब मुखर्जी के आरएसएस के समारोह में शामिल होने पर सवाल उठाने वालों को संघ से जुड़े लोगों ने भी नसीहत दी है। राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। अब वो किसी एक राजनीतिक दल के सदस्य भी नहीं रहे हैं और आगे की पूरी जीवन के अंदर वो किसी एक राजनीतिक दल के सदस्य बनकर रहने वाले भी नहीं हैं। संघ संवाद में विश्वास करता है, इसी कारण से संघ अपनी विचारधारा से मतांतर रखने वाले सार्वजनिक जीवन में सक्रिय लोगों को अपने कार्यक्रमों में बुलाता रहा है। इसकी लंबी श्रृंखला है। प्रणब मुखर्जी के संघ के समारोह में शामिल होने पर सवाल उठाने वालों को आरएसएस के सर सह कार्यवाहक मनमोहन वैद्य ने भी जवाब दिया। मनमोहन वैद्य ने एक अंग्रेजी अखबार में प्रणब दा नागपुर में आपका स्वागत है नाम से एक लेख लिखा। अपने लेख में मनमोहन वैद्य ने आरएसएस को अपने से अलग मत रखने वालों से मिलने जुलने और उन्हें सुनने वाला संगठन बताया है और यही वजह है कि आरएसएस ने अपने प्लेटफॉर्म पर देश के पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रणब मुखर्जी को बुलाया है। इसमें आश्चर्य नहीं है, अनेक विचारधाराओं के लोगों को संघ ने बुलाया है। लोग पुराना इतिहास नहीं जानते होंगे, गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने 2 बार स्वयंसेवकों को स्वयंसेवक के कार्यक्रम में गए थे। फिलहाल प्रणब मुखर्जी नागपुर पहुंच चुके हैं जहां वो आज आरएसएस स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे।